अभी जो मौतों का आंकड़ा आज के दिन का है वो 50 के करीब एक दिन में मौतें हो चुकी है और कुछ मिसिंग है। ये मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और मेरी अभी सभी आला अधिकारियों से बात हुई है और अभी हम रात में अभी और कुछ फैसले इस आपदा पीड़ित लोगों के लिए करने वाले हैं। प्रदेश में इस बार 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने त्रासदी को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब की बार भारी आपदा आई है जिसमें कई लोगों की जान गई है, ऐसे में सरकार ने इन कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला लिया है। यही नहीं, इसके चलते राजभवन में होने वाले एट होम को भी रद्द किया गया है। प्रदेश में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को इस बार साधारण तरीके से मनाया जाएगा, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार इतिहास में एक दिन के भीतर 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, 13 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा परेड में स्थानीय पुलिस और SDRF के जवान शामिल नहीं होंगे, वो बचाव कार्य में ही शामिल होंगे।